हिजबुल्ला चीफ के बंकर में मिला अरबों का खजाना। नसरल्ला का बंकर तबाह, अब खजाने का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इजराइल लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला कर रहा है और इस बार तो इजराइल के हमले ने एक ऐसा खजाना खोज डाला जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला कर रहा था। दरअसल हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला जिस बंकर में मारा गया वहां खजाना ही खजाना भरा पड़ा है। इजरायली सेना IDF ने हिजबुल्ला के आतंकी ठिकानों पर बड़ा खुलासा किया है। IDF के मुताबिक लेबनान के एक अस्पताल के नीचे हिजबुल्ला का बंकर है। इसमें $50 करोड़ से ज्यादा का सोना और कैश रखा हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्ला के फाइनेंस हब की खुफिया जानकारी का खुलासा कर दिया है। इजरायल का दावा है कि ये सीक्रेट बंकर बेरूत के बीचों बीच अल साहिल अस्पताल के नीचे है। ये हसन नसरल्ला का बंकर है जहां अरबों के गोल्ड और कैश रखे हुए हैं। दरअसल इजरायल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि साउथ बेरूत के अल साहिल अस्पताल के नीचे बंकर बना है। ये मारे गए हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला का बंकर है। बंकर में नकदी और सोने के रूप में $करोड़ रखे गए हैं। IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्ला के इन वित्तीय ठिकानों पर हमले किए हैं। कड़ी सुरक्षा वाले एक सीक्रेट बंकर को इजरायल ने निशाना बनाया जहां एक तिजोरी का पता चला जिसमें सोना और $लाखों रखे गए थे। इन पैसों का इस्तेमाल हिजबुल्ला इजरायल पर हमला करने के लिए कर रहा था। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसके बाद बेरूत के एक अन्य बंकर का भी जिक्र किया। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि ये बंकर एक अस्पताल के नीचे बना हुआ है और अस्पताल के नीचे इसे इसलिए बनाया गया है ताकि कोई अस्पताल पर हमला ना करे, क्योंकि अगर कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध में अस्पताल पर हमला नहीं किया जाता। और इसी वजह से हिजबुल्ला ने अस्पताल के नीचे कई तिजोरी और बंकर बना रखे हैं। इनमें नकदी और सोना भरा हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि हमारे अनुमान के मुताबिक इस बंकर में कम से कम $50 करोड़ की नकदी और सोना रखा हुआ है। इस पैसे का इस्तेमाल लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए किया जा रहा था और आगे भी ऐसा हो सकता है। यहां आपको बता दें कि लगातार इजराइल हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला कर रहा है और इसी कड़ी में इजराइल ने बैंक पर भी हमला किया था। इजराइल ने लेबनानी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हिजबुल्ला को आतंक के लिए और इजराइल पर हमला करने के लिए पैसे का उपयोग करने से रोकने का आह्वान किया। साथ ही हिजबुल्ला को कड़ी चेतावनी दी थी और ये कहते हुए कि इजराइल आतंकी संगठन हिजबुल्ला के साथ युद्ध कर रहा है, ना कि लेबनानी लोगों के साथ। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये भी कहा कि वे किसी अस्पताल पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उनका निशाना बैंक जरूर होगा जहां से हिजबुल्ला को मदद मिली। इससे पहले भी इजराइल ने उस बैंक पर हमला किया था जिसका लिंक हिजबुल्ला से था। यहां आपको यह भी बता दें कि इजराइल ने हमास को खत्म करने और संगठन द्वारा बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों को मुक्त कराने का संकल्प लिया है और इसी कड़ी में वो हमास और हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला कर रहा है। हालांकि हिजबुल्ला ने भी इसी मंगलवार को मध्य इसराइल में कई रॉकेट दागे जिससे देश के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान से इसराइल में 5 रॉकेट दागे गए और इसमें से ज्यादातर को एंटी मिसाइल सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया है। एक रॉकेट खुले क्षेत्र में गिरा। रॉकेट हमले ऐसे समय में हुए जब इसराइल ने लेबनान में हमले तेज करने के साथ ही हिजबुल्ला द्वारा संचालित एक वित्तीय संस्थान यानी बैंक को निशाना बनाया। फिलहाल हिजबुल्ला और हमास पर इसराइल के हमले जारी हैं और पिछले एक साल से, खासकर 30 जुलाई के बाद से, इसराइल की रणनीति में हमास और हिजबुल्ला के बड़े नेताओं को मारना एक आम तरीका बन गया है ताकि दुश्मन कमजोर हो सके। और इसराइल की रणनीति आखिर कितनी कामयाब होगी ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल आपको एक खबर कैसी लगी आप अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।